आपकी जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई चालू होगा या ये जो सर्किट आप यहाँ पे चालू करोगे right so right से आपका ब्लड आप आपका अब ये लंग्स तक दैट इज व्यर वो आपका जाएगा वहां पे वाई और पल्मोनरी आर्टरी ठीक है और वहां से लंग्स से आपका जो ब्लड हुआ यहाँ पे वापस आएगा इंटू द लेफ्ट आर्ट्री और जो ब्लड आपका यहाँ पे वापस आ रहा है दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो आपका ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस आपका ब्लड आता है इंटू द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड दैट ब्लड इज डू येटेड ब्लड और ये जो ब्लड आपका यहाँ पे वापस आ रहा है याद रखिएगा ये ब्लड आपका वापस आ रहा है ये आपका आएगा योर पलमनरी वेन तो ये थ्रू योर पर्मनरी वेन ये आपका ब्लड वापस से आता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर तो ये चीज आपने भूली नहीं है यूजिंग योर पर्मनरी वेन यू विल फाइंड ब्लड आपका वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आ जाएगा ये जो सर्किट हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज माई पर्नरी सर्कुलेशन सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कॉल्डरी सर्कुलेशन याद रखना है यहाँ पे आपका जो ब्लड है वो जा रहा है लंग्स के तरफ एंड देन वहां से वापस आ रहा है आपका ये लेफ्ट आर्टियम के अंदर यूजिंग योर पर्मनरी वेन सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर पल्मनरी सर्कुलेशन उसी तरीके से यू विल हैव अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हैव योर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन अब जब मैं बात करता यहां यहाँ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो जर्नी चालू होगी हो तो right हमारी स्टोरी चालू करेंगे फ्रॉम द लेफ्टल सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब मैं यहां पे स्टोरी चालू करूंगा तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेरा कहा जाएगा सर uh...

वाया ओटा वाया ओटा यू विल फाइंड नंबर ऑफ आपकी वहां पे आर्टरीज होंगी एंड इट कैन बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी आप मुझे ये बता दो याद करके कि आपके ओटा में एक टर्म था हमने देखा था वहां पे समथिंग लाइक में असेंडिंग ओटा यस सर यस सर असेंडिंग ओटा बनाता क्या है याद करके बताओ असेंडिंग ओटा आपका बनाता क्या था सर okay. ये ब्लड बनाता, बनाता but... था इट मेक ब्लड फ्रॉम अ लोअर पार्ट नहीं डिसेंडिंग आउट आपके लोअर पार्ट में ब्लड को भेजता है एसेंडिंग आउट में से अगर आपको याद हो तो वी यूज टू फॉर्म समथिंग नोन एज माय हाँ इससे ब्लड जाता था आपके अपर बॉडी पार्ट के अंदर जो भी है बट इससे एक आपकी आर्टरी बनती थी वो आर्टरी नाम याद करो कोरोनरी आर्टरी याद आ रहा है तुम लोगों को नहीं जल्दी कैसे भूल जाते हो मतलब ये क्या है ये

अब बॉडी में जाने के बाद बॉडी टिश्यूज के पास आपका ब्लड पहुंचेगा यहाँ पे ऑब्वियसली बॉडी में जाएगा द बॉडी टिश्यूज वहां पे आपका ब्लड में से आप एक्सचेंज करोगे न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिय एक्सचेंज करोगे बॉडी टिश्यू के अंदर एंड देन वहां से आपका ब्लड वापस आएगा यस सर देन वहां से आपका ब्लड निकलेगा इट विल कम आउट एंड नाउ इट विल गेट इनटू योर अगेन योर हार्ट ये वापस आपके हार्ट के अंदर आएगा बट हार्ट में भी एक कहां पे आएगा आपका ब्लड दिस विल गेट इनटू योर राइट आर्ट या अब यहाँ पे सर्किट आप देखो ध्यान से कि आपका यहाँ पे जो ब्लड था वो चालू हुआ आपका जाना फ्रॉम द लेफ्टेंटिकल के थ्रूटा के थ्रू इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी राइट सारे ब्लड वेसल्स को यूज करके आर्टिस्ट को यूज करके, करके पहुंचेगा अलग अलग बॉडी टिश्यूज तक वहां पर आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज सीओ टू ले लिया जाएगा ओ टू दे दिया जाएगा और जब वहां से ब्लड मेरा वापस आ रहा है सो दैट ब्लड इज नी माई बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम के राइट right आर्ट्रीमिट ये सर्किट यहाँ पे, पे दिख रहा है सर्किट ऑफ फायर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आपको याद रखना है की आपका चालू लेफ्ट लेफ्ट इट विल गो वाई द्रू आउट द बॉडी बॉडी में जाके आपका एक्सचेंज गैश एक्सचेंज होगा वहां पे

चलिए याद है happy to know that. Coronary sinus, ये आपके तीन आपके तीन पे हो दे थे, के अंदर so, open और यही चीज़ आपको इन टर्म्स ऑफ दिस्टमैटिक सर्कुलेशन अब आप इसमें याद ये रखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हैविंग डबल सर्कुलेशन इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा

दिस इज योर डबल सर्कुलेशन कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है यही आपको दिस इज नॉट योर डबल सर्कुलेशन अब डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या होता है इन मैमल्स की याद रखिएगा आप लोग तो हमेशा इसका एडवांटेज है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं होता यू डोंट गेट टू सी योर सिस्टमैटिक सर्कुलर्किट एंड सर्किट गेटिंग मिक्सड तो आपका ऑक्सीडेड ब्लड और डी ऑक्सीडेड ब्लड यहाँ पे आपके सेपरेट मूव करते हैं अलग अलग सर्किट के अंदर और ये मिक्स नहीं होते सो दैट इज द एडवांटेज आप सबको यहाँ पे याद रखना है यार इसका सिग्निफिकेस यही है कि आपके यहाँ पे डी ऑक्सीडेटेड ब्लड और ऑक्सीडेटेड ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स नहीं होता यू डोंट फाइंड मिक्सिंग ओवर सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन ठीक है यहाँ पे आपको सर्किट आपको अलग दिख रहा है यहाँ पे और सर्किट आपको हाँ पे अलग देखने के लिए मिल जाता है सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ये है आपका यहाँ पे डबल सर्कुलेशन सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेबर अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाने चाहता हूँ कि अब इसमें तो जब हम बात करते हैं हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की आपको आपकी जर्नी पे चालू करनी है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी स्टोरी यहाँ पे चालू हो रही है बॉडी right, और बॉडी में आपका होगा गैशेज एक्सचेंज वहां पे उसके बाद वहां से आपके वेन्यूल्स बनेंगे अल्टीमेटली वेन बनेंगे एंड वाया वेना केवा यू विल ब्रिंग द ब्लड बैक इन टू यम के अंदर तो आपका ब्लड यहाँ पे आओगे आप आप आपके राइट right आर्ट्रम के अंदर तो ये सर्किट आपका रहता है ऑफ माय सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का ये मेरा यहाँ पे सर्किट रहेगा उसी तरीके से अगर आप देखते हैं पे सर्कुलेशन का सर्किट तो वो आप हमेशा चालू कर राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से आपका सर्किट चालू होगा लंग्स पे जाएगा और लंग्स से वापस आपका जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका आ जाता है इन टू योर लेफ्ट आर्ट्रीम सो दैट इज अ अर्किट फॉर्म पलमनरी सर्कुलेशन तो देखिए आप लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिक सर्कुलेशन

कि ब्लड का मिक्सिंग यहाँ पे नहीं हो रहा दैट इज द अंपॉर्टेंस ऑफ माई डबल सर्कुलेशन जहाँ पे आपके दो सेपरेट यहाँ पे सर्किट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर विच इज अ वेरी सिंपल थिंग इन टर्म्स ऑफ माइ डबल सर्कुलेशन सिस्टमैटिक एंड पलमरी सर्कुलेशन को आपको इस तरीके से याद रखना है तो so यही आप यहाँ पे सर्किट हमने वापस बना के रखा हुआ है सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो नाउ आफ्टर दिस तो ये यह हमने यहाँ पे देख लिया इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे समझनी है या देखना है हमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ माय डिसऑर्डर की लाइक like हम यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स के यहाँ पे बात करते हैं सो so, एक दो डिसऑर्डर आप अपने एंड बता सकते हो कुछ डिसऑर्डर जो आपने सुने हैं पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट तो क्या होते हैं क्या होते हैं ठीक है आपका होता है हार्ट अटैक ठीक है फिर किसी ने बोला यहाँ पे अच्छा हाइपर

तो उसके मैं CPR कर सकता हूं. उस पर्सन के लिए मैं सी पी आर बिल वहां पे मैं यूज आ, करूंगा ठीक है सीपीआर के टाइम पे यूज कर सकते हो आप यू कैन ऑल्सो डू दीपीआर ड्यूरिंग यूर कार्डियेस्ट यू कैन डू फॉरियर बेसिकली कार्डियेस्ट और हार्ट अटैक के लिए आप सी पी आर करते हो इसको हम एक बार फिर बाद में देखते हैं अभी हम क्या करते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ दीज कंडीशन इनमें से जो कुछ कंडीशन आपके सामने हैं उनको यहां पे हम थोड़ा तो समझते देखते कि वो कंडीशन क्या है यहाँ पे तो लेट्स ट्राई टू सी कुछ कंडीशन हार्ट सो वी विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक ब्लड प्रेशर के बारे में हम पहले यहाँ पे बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर अगर मैं ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स में अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ देन याद करिएगा कि ब्लड प्रेशर जब आप मेजर करते हो तो आप मेजर करते हो आपका सिस्टोलिक प्रेशर एंड योर डायस्टोलिक प्रेशर ये दो प्रेशर को आप यहाँ पे मेजर करते हो तो याद रखना जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तब तो आप दो टाइप के प्रेशर यहाँ पे मेजर करते हैं वन इज विंट बु योर सिस्टोलिक प्रेशर एंड अदर इज गोइंग टू बी योर डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर आपका जो यहाँ पे रहेगा आपके हार्ट के अंदर जब आपका हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर उसे हम काउंट करेंगे सो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब आपका ब्लड बाहर निकल रहा है आपके वेंटिकल से कॉन्ट्रेक्शन के दौरान उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसा सिस्टोलिक प्रेशर जो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर रहता है अराउंड वन ट्वेंटी एमएमएच तो ये रहेगा आपका यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं मेरे डायस्टोलिक प्रेशर की तो इसकी वैल्यू आपकी रहती है अराउंड

और यही आपको बताता है आपके ब्लड प्रेशर के बारे में अब जैसे कि पे किया हुआ है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर गेट टू सीट वन ट्वेंटी बाई एटी इज द ब्लड प्रेशर 120 ट्वेंटी 80, 80 आपका यहाँ पे रहता है आपके यहाँ पे ब्लड प्रेशर तो याद रखना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर आपको ये मिल जाता है एज अ ब्लड प्रेशर 120 ट्वेंटी बाई एटी दैट इज अ वैल्यू यू विल सी ऑलवेज इन अ नॉर्मल पर्सन कि ये वैल्यू आपको मिलेगा आपके ब्लड प्रेशर का अब अगर आपको वैल्यू <laughs> काफी ज्यादा मिल रहा है अगर आपको किसी पर्सन के अंदर ये वैल्यू अगर ज्यादा मिल जाता है देन दैट कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न वो आपके लिए कंसर्न वाली बात हो सकती है तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे सो सो आर द आर्टरीज ओके यहाँ पर हम समझते हैं हमारा पहला डिसऑर्डर दैट इज गोइंग टू बी हाइपर टेंशन तो जब मैं बात करता हूं यहाँ पे हाइपर टेंशन की तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखेगा काफी क्लियरली कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जाता है 120 बाय 80 से ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर है आपका यहाँ पे वन ट्वेंटी बाई एटी अगर इससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है ये जा सकता है अगर आप कुछ दौड़म दौड़ी या अगर आप कोई एक्टिविटी करें फिजिकल एक्टिविटी तो ये जा सकता है ऊपर तो इसका ऊपर जाना इट्स नॉट अ वेरी अलार्मिंग थिंग ठीक है बट अगर किसी पर्सन के पर्सन के अंदर कॉन्स्टेंटली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर मिल रहा है अगर एक किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर वो बैठा हुआ है और तब भी अगर आपको उसके अंदर कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर मिल जाए देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न

हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ गई है सो हाइपरटेंशन बेसिकली मींस क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए अगर आपके लंबे टाइम के लिए काफी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है देन दैट मींस यू आर सफरिंग विदर हाइपरटेंशन याद रखना कि आपका नॉर्मली ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है अगर आप ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपके ही जा सकता है बट दैट इज नॉट अ बिग डील बट अगर वैसे अगर आप बढ़ रहा है, then that is a matter of concern. अब अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हमने आपका हार्ट ब्रेन एंड पे हार्ट हो गया ब्रेन हो गया किडनी हो गया दीज आर फ्यू स्ट्रक्चर्स और दीज आर फ्यू ऑर्गन ओवर हेयर जो आपके यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो सो so ऑब्वियसली अगर किसी को हाइपर टेंशन है कुछ ना कुछ मेडिकेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर को यहाँ पे कंट्रोल कर सके और एल्स इट कैन हैव आपका हार्ट डैमेज हो रहा है ब्रेन डैमेज हो रहा है किडनी डैमेज आपके यहाँ पे हो रहे हैं सो दैट इज समथिंग जो ऑब्वियसली आपके लिए हार्मफुल होगा तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है अब आप लोग क्या मुझे कुछ सोच के बता सकते हो कि क्या कंडीशन होती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है एनी जी कंडीशन सर हां जी स्ट्रेस तो एक आ गया और कुछ सर जब हम सॉल्ट क्या सब लोग मिक्स होके बोल रहे सर सॉल्ट हां नहीं हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप सर जब हम सॉल्ट ज्यादा मात्रा में खाते हैं ओके ठीक है हाई कंजम्पशन ऑफ योर एनएसीएल ठीक है एनीथिंग एल्स

ज्यादा देखने को आपको मिलेगा लाइक like अगर आप डेटा निकालते हो ब्लड प्रेशर को लेके जेंडर एक आता है सो मेल्स मोर कॉमन विक्टर फीमेल्स ओवर हेयर राइट सो ओबीसीडी एक आपका मेन रीजन यहाँ पे है स्ट्रेस आपका मेन रीजन यहाँ पे है, जो हम लाइक जनरली देखते हैं जिसके हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो सकता है राइट जेंडर है अगर आपका हद से ज्यादा एनएसएल कंजम्पन हैटन इम्पैक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर बट हाइपर टेंशन के लिए जनरली आपका ओबिसिटी स्ट्रेस एक मेन आपके यहाँ पे रीजन बनता है जिसके साथ प्रेशर ज्यादा हाई रहता है सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो तो याद रखना हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आपका वैल्यू क्या रहेगा इट विल बी ऑलवेज ऑलवेजी वन फोर्टी बाय नाइनटी राइट अगर ये रहता है वैल्यू देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और इसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है अब मुझे आप ये बताओ कि समझो अगर आपको एक पर्सन मिलता है जिसका वैल्यू है आपका

तो ये भी अच्छी बात नहीं है अगर ऐसा भी कभी किसी को होता है देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग यू नीड टू हेव अप्रोप्रियट ब्लड प्रेशर ऑल द टाइम सो ये याद रखना हाई ब्लड प्रेशर आपको याद रखना है यहाँ पे दैट इज योर हाइपर टेंशन क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा हाइपर टेंशन ठीक है सो दिस इज समथिंग यू शुड नो और अगर ये होता है देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल अटेंशन क्योंकि आपके हार्ट किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है आफ्टर दिस द नेक्स्ट डिसऑर्डर हेयर इज योर अब ये आपका एग्जाम्पल बनेगा आपका सीएडी का दैट इज एग्जाम्पल ऑफीजी अब यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिल जाएगा जब आप बात करते हो आर्थरोस्क्लेरोसिस का सो so, याद रखना कि यहाँ पे आपके कोरोनरी आर्ट्री है जिसका हम लोग पहले भी कई बार मैं कर चुके हैं अगर इसके अंदर आपको डिपॉजिट मिलता है कोलेस्ट्रॉल का अगर आपको इसके अंदर मिलता है देखने के लिए ऑफ कोलेस्ट्रॉल देन पे क्या होता है यू विल क्रिएट अब्सट्रक्शन फॉर द ब्लड फ्लो यहाँ पे ऑब्वियसली द ब्लड फ्लो और ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है तो में याद रखना दर इज अ डिपोजिशन ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड राइट इन टू दूनिका इंटरना ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज इनर मोस्ट लेयर होती है वहां पे आपको ये डिपोजिशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा अब बात यह की अगर आपको ये डिपोजिशन देखने के लिए वहां पर मिल जाए देन दिस इज द कंडीशन जिसके ऐसे कई सारी कंडीशन हो सकती है आपको अगर किसी को अगर आप अगर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है किसी पर्सन में देन इसके वजह से आपको और भी कई सारी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है सो so याद रखना ये जो आपका डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन द कोरोनरी आर्ट्री इज ऑल हैपनिंग इन द कोरोनरी आर्ट्री सो कोरोनरी आर्ट्री के अंदर आपको ये डिपोजिशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा अब इससे हो क्या रहा है यहाँ पे बिल्कुल आपका जो हो गया, और कम हो गया। वैसे ही का छोटा होता है। और ये सब अगर लग जाएगा तो आपका और भी छोटा हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ये इतना ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे कि पूरी आर्ट्री वहाँ पे बंद हो जाती है कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अब ये सब कंडीशन कंडीशन नोन एज हार्ट अटैक अगर ये आपके हार्ट में हो रहा है देन फ्यूचर में

बट इससे क्या होगा यू विल है इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट यू है इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट आपका यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो हार्ट होगा वो यहाँ पे काफी आपका हो जाएगा इनसफिशियंट मतलब जितना होना चाहिए उतना आपका हो नहीं रहा तो उससे होता क्या है दैट यू विल है आपका न्यूट्रिय आपके पहुंच नहीं रहे आपके ऑक्सीजन वहां पर आपका पहुंच नहीं रहा और अगर ये कंडीशन काफी टाइम तक चलती है देन यू कैन है पोटेंशियली आपको हार्ट अटैक यहाँ पे आ सकता है हार्ट अटैक right? और हार्ट अटैक में कुछ नहीं हो रहा है हार्ट मसल हार्ट मसल अगर आपके यहाँ पे डैमेज हार्ट मसल है तो इसलिए है क्योंकि आपके हार्ट को कभी मिलाएंगे न्यूट्रिय सही अमाउंट में एंड सडनली समेकैप्स राइट तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कि अगर किसी को यहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा होगा तो बेसिकली आपका इसलिए आ रहा है बिकॉज उसके पहले से पहले से उसके बॉडी में कई बार काफी ज्यादा यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है इन द कोरोनरी आर्टरी के अंदर एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन गेट्स अ पोटेंशियल हार्ट अटैक इन द फ्यूचर अगर वो उसे आता है देन यू विल फाइंड द पर्सन विल बेसिकली कोलैप्स ऑन द ग्राउंड सो आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक और समझनी है कि ये जो हार्ट अटैक जब आपको आ रहा है सो so इसका रीजन ये होता है लाइक बेसिकली विल गेट टू सी कि इसका रीजन ये होता है आपने कभी शायद सुना होगा या पढ़ा होगा कि किसी को हार्टरक आता है तो उनको फटाफट -फड़ सर्जरी करानी पड़ती है और बायपास सर्जरी करना yes, तो yes, sure भी डिपोशन है उसे या, फिर वो निकाल या फिर उसके अंदर एक आर्टिफिशल आर्ट्रे आट्रिय वो लोग निकाल के क्योंकि वो इतना हो चुका है। evening, evening, yeah, evening, सुने आप. तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ता है सो देट यू कैन पोटेंशियलीव ए वर्किंग हार्ट ताकि आपसे यहाँ पे वर्किंग हार्ट आपके पास हो सो याद रखना

यहां पे भी आपको डिपोजिशन मिलेगा आपके कोलेस्ट्रॉल का सो लेट मी मेंशन ओवर हियर कि समझो यहाँ पे कोई आपकी आर्टरीज है अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कोरोनरी आर्टरी की बात नहीं कर रहा समझो कोई भी आर्टरी है कोई भी मेरी यहाँ पे आर्टरी है और उसके अंदर मेरा लग रहा है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यहाँ समझो मेरे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपोजिट मेरा यहाँ पे हो रहा है अब कोलेस्ट्रॉल मेरे यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है बट उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम की भी लेयर मेरी यहाँ पे लग रही है आई एम ऑल्सो फाइंडिंग कैल्शियम भी मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो, so, हाँ 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 हो रहा है ये भी कई बार सो वॉट विल लगने लगती है तो इससे एक चीज यहाँ पे होगी मेरी जो आर्टरी यहाँ पे होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे हार्ड द आर्टरी ओवर हेयर विल बिकम हार्ड सो मेरे यहाँ पे कैल्शियम भी लग रहा है कोलेस्ट्रॉल भी लग रहा है एंड दैट लीड टू हार्डनिंग ऑफ द विल लीड टू हार्डनिंग Of अब एक चीज आप यहां पे ध्यान से समझो जब भी आप किसी ब्लड वेसल की बात करते हो एक ब्लड वेसल के पास एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने आप को इलास्टिसिटी उसकी होती है जिससे वो अपने आप को लाइक नैरो डाउन या आ, अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है या मैं इसको सिंपल टर्म से कहूं तो हर एक आर्ट्री या वेन की एक सर्टन अमाउंट की इलास्टिसिटी होती है याद रखना ये बात को कि हर एक आर्ट्री और वेन की एक सर्टन अमाउंट की इलास्टिसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम लग रहा है अगर आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्लस अगर आपके यहाँ पे कैल्शियम अगर आपके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है देन याद रखना इसके वजह से देर विल बी अ डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी आपकी जो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी यहाँ पे होगी वो पे पर हो जाएगी डिक्रीज देर विल अ डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी तो इलास्टिसिटी जो आपके यहां पे होती है वो आपके यहाँ पे हो जाएगी आपकी काफी हद तक डिक्रीज द क्वेश्चन अगर आपकी इलास्टिसिटी यहां पे डिक्रीज हो रही है तो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है तो एक चीज समझो यहाँ पे आपकी एक ब्लड वेसल है ब्लड 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 वेसल पहले थी काफी flexible, वो काफी थी काफी काफी वो फ्लो फ्लो करता था अगर ज्यादा तो काफी फ्लेक्सिबल थी वो अपने आपको लाइक उस हिसाब से ढाल लेती थी बिकॉज उसमें थी सडन वॉन्ट ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपकी ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी नहीं रहती देन क्या होगा दैट विल बिकम रिजेक्ट आपकी ब्लड वेसल बन जाते हैं यहां पर रिजिड या मैं एकोटर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूं दे कैन बिकम ब्रिटल दे कैन बिकम ब्रिटल सो ब्लड ब्लडल्स यहां तो अगर मेरी ब्लड वेसल्स यहां पे ब्रिटल और रिजिड बन जाती है तो इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा किसी दिन अगर मेरे बॉडी के अंदर किसी दिन हाई ब्लड प्रेशर मुझे मिलता है देखने के लिए देन बिकॉज ऑफ दैट मेरी ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्रेक हो सकती है दे कैन एक्चुअली रप्चर तो अज्यूम करते हैं कि कोई पर्सन है उसके अंदर कैल्शियम लग गया उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लग गया कैल्शियम भी वहां पर इकट्ठा हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी ब्लड वेसल वहां पर हो जाती है रिजिट और ब्रिटल और अगर ऐसा होता है देन विल हैपन अगर उस पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ज्यादा देन दो आर्टरीज कैन रप्चर वो आर्टरी या वो ब्लड वेसल वहां पर ब्रेक हो सकती है और अगर मेरी आर्टरी वहां पर ब्रेक होती है रप्चर होती है एगा और अगर ब्लड बाहर आया तो और प्रॉब्लम होगी वहां पे बिकॉज इट विल फॉर्म द क्लॉट सिंपल सी बात है अगर ये ब्लड ब्रेसल मेरी रपच्चर हुई यहां से मेरा ब्लड जा रहा है और अगर ब्लड ब्रेसलर हो जाती है ब्लड एंड फॉर्म दूवर है ब्लड बाहर आने लगेगा और वो यहाँ पे क्लॉट बनाना यहाँ पे चालू करेगा वो और आपका वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर बाद में सो so ये आपको यहाँ पे याद रखना है दिस इज वॉट यू फाइंड है आर्ट्रीस्कलोरोसिस So, कोरोनरी आर्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे दट हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्ट्रीज कोई भी आर्ट्री हो सकती है जिसमें आपकी हार्डनिंग हो रही है और उसकी इलास्टिसिटी वहां पर खत्म हो रही है और ये क्यू हुआ बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन अलॉन्ग विदिप्टेशन ऑफ योर कैल्शियम सोल्ट अगर यहाँ पे इकट्ठा हो रहेन यू फाइंड की आपकी आर्ट्रीज वहां पे हो जाती है हार्ट और दिस कैल्सिफिकेशन मेक्स द आर्ट्रीज स्टिफ एंड रिजिट एंड दिस विलीड टू हार्डनिंग ऑफ द आर्ट्री अल्टीमेटली आपकी आर्ट्रीज यहाँ पे हो जाएंगी हार्ड यहाँ पे एंड नो वटन दिल ब्रेक ये आपकी यहाँ पे होती है अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो एंड दैट विलीड टू अमेटिक सिचुएशन यहाँ पे आपका ब्लड बाहर आ रहा है और जैसी वो ब्लड आपका बाहर आएगा इट विल क्लॉट क्योंकि ब्लड आपका लिक्विड स्टेट में तब तक ही है जब तक वो आर्ट्री के अंदर है जैसी वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे यू विल फाइंड की आपका ब्लड यहाँ पे क्लॉट बनाना चालू करेगा जो अलग ही आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है so this is something you have to know that is going to be called as my arteriosclerosis to so, kya arteriosclerosis yahan pe aap logo ko samajh aa raha hai is this part clear to all of you clear yes, yes, to all of you right so arteriosclerosis aapko yahan pe malum rehna chahiye ki yahan pe kya ho raha hai aur please yaad rakhna ki yahan pe aapki hardening ho rahi hai aapki artery ki and यहाँ पे हम specifically coronary artery की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये यह हो सकता है किसी भी आर्टी के साथ ये हो सकता है ठीक है सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो

तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि आपका हार्ट इफेक्टिवली आपका ब्लड को पंप नहीं कर रहा आपका हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को यहाँ पे पंप नहीं कर रहा और उसके वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही अब आपका हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप क्यों नहीं कर रहा उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका वहां पे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो बट एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर समझो आपको कोई थर्टी फाइव केज में अगर आपको कोई मिलता है और उस पर्सन के अंदर ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिल रही है कि उसका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड को या एक एफिशिएंट तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा ठीक है सो so, यही चीज आपको 10 साल बाद और ज्यादा आपको मिलेगी उस पर्सन के अंदर तो so, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव कंडीशन ये होती है ये टाइम के साथ साथ और वर्स होती जाती है विद द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम मच मोर वर्स ये और कंडीशन आपकी खराब होने लगती है ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है दैट द कोर्स ऑफ टाइम दिस कंडीशन बिकम मच मोर प्रॉब्लमेटिक तो अगर कोई आपको फोर्टी केज में मिल रहा है जिसका कोई जिसमें आपको दिखता है कि यार इसमें हार्ट फेलियर की कंडीशन आपको दिख रही है तो आप उसे अगर दस साल बाद मिलोगे तो वो कंडीशन और बढ़ चुकी होगी तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको देखने के लिए दैट हार्ट नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली आपका हार्ट यहाँ पे ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा और इसके वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे फुलफिल यहाँ पे नहीं हो पा रही अब हार्ट क्यों नहीं पंप कर पा रहा बिकॉज हार्ट के टिश्यूज उतने तरीके से काम नहीं कर पा रहे ज कैन भी बिकॉज ऑफ उन्हें न्यूट्रीशन नहीं मिल रहा उनको ब्लड सप्लाई में वहाँ पे नहीं है सो देर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और ये और बढ़ेगा अगर आपको एक एज पे अगर आपको कंडीशन अगर आप डिटेक्ट करेन अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते दैन दस साल बाद आपको और कंडीशन वर्स आपको होते हुए आपको मिलेगी इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर आपके यहाँ पे प्रोग्रेसिव होता है अब कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यार हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में फर्क क्या है तो एक चीज ज्यादा रखना काफी चीज इसमें सेम है लेकिन फर्क यहाँ पे कि हार्ट फेलियर जो है आपका स्लो प्रोसेस है आपका ये है राइट right? आपका हार्ट अभी जिस तरीके से काम कर रहा है या समझो आपका हार्ट की एफिशिएंसी है एफिशियउ सेवेंटी परसेंट फिलहाल दस साल बाद वो फिफ्टी परसेंट हो जाएगी हार्ट आपका काम कर रहा है राइट बट इट हैज डिक्लाइंड उसकी एफिशिएंसी आपकी कम हो रही है हार्ट अटैक में क्या होगा यू विल गेट अ सडन हार्ट अटैक एंड यू विल फॉल डाउन वो एक इमरजेंट कंडीशन आपकी दिख जाती है एकदम से हार्ट अटैक के अंदर हार्ट अटैक के अंदर हो क्या रहा है कि आपको सडनली एक इमरजेंटली uh, आपको इमरजेंसी वाली कंडीशन आपकी बन जाती है हार्ट है हो हो आप हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं है आपके बॉडी की वर्किंग एफिशियम होने लगेगी विदर्स ऑफ टाइम सर्जरी यूज कर सकते हैं अगर किसी को हार्ट फेलियर हो तो हम हार्ट फेलियर के लिए सर्जरी नहीं लाइक रीजन फॉर दैट अगर किसी को हार्ट फेलियर है और अगर उसका रीजन है आपका अगेन ब्लॉकेज इन दर्ट्रीजरीज का ब्लॉकेज है सर्जरी देन यू कैन गो फॉर अर्जरी अब अगर ऐसा है कि समझो आपका कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है हार्ट का लेट्स का एक सर्टन टिश्यू आपका डैमेज हो चुका है तो उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते सर्जरी के साथ बात तो वो है यू कैनॉट रिप्लेस दैट ठीक है हाँ आप अगर okay. आपके ब्लड वेसल में कोई दिक्कत आ रही है देन उसे आप ठीक कर सकते हो बट यू कैनॉट डू दैट थिंग वैसा होता है उसके अंदर इसलिए कभी आप नोटिस करना कि अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है ना तो उस पर्सन का हार्ट उस हार्ट अटैक के बाद और ज्यादा वीक हो जाता है एंड दैट पर्सन इज प्रोन टू प्रोन्न हार्ट अटैक इन फ्यूचर ये बैट उन्हें नोटिस किया होगा कुछ लोगों को माइनर हार्ट अटैक आता है राइट right? इवन yes, so अगर माइनर हार्ट अटैक आता है ना या वो टम अगर आपने कभी सुना होगा सो so इवन उसके बाद आपके हार्ट के कुछ टिश्यूज तो ऐसे डैमेज हो ही जाते हैं राइट एंड यू कैन नॉट रिवाइव दम बैक उनको आप रिवाइव नहीं कर सकते वापस से सो so इसलिए उस पर्सन को उसके बाद और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं उसको अपना डाइट चेंज करना पड़ता है फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है ध्यान रखना पड़ता है कि वो वेट गेन ना करें सो स्ट्रॉगली जस्ट टू अवॉइड हार्ट अटैक ठीक है सो so, याद रखना कि आर द टू कंडीशन काफी चीज़ में सिमिलर भी होती है क्योंकि दोनों के रीजन कई बार एक हो जाते हैं बट हार्ट फेलियर इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन ये तुम जान सकते हो एज अ डॉक्टर राइट बट हार्ट अटैक इज समथिंग आपको कुछ मालूम नहीं है आपकी नॉर्मल लाइफ है एंड सडनली ऑन डे

आपको यहाँ पे, yes, 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 so आप पे क्या मिलेगा देखने के लिए ये कंडीशन भी इंटरेस्टिंग बट दिसन ऑल्सो जो काफी हद तक पहली जो कंडीशन है थोड़ी सी ओर लैप करेगी अब एंजिना पेक्टोसिस में क्या होगा ना समझो एक पेशेंट आपके सामने आया और पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है फॉर द ओकेजनल चेस्ट पेन पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है फॉर द ओकेजनल चेस्ट पेन अब ओकेजनल चेस्ट पेन को आप हार्ट अटैक मत समझेगा ओकेजनल चेस्ट पेन अगर किसी को हो रहा है वहां पे कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ देन दैट इज नॉट अ हार्ट अटैक दैट कैन बी कॉल्ड एज माई दैट कैन बी कंडीशन ऑफ माई एंजीना पेक्टोसिस अब एंजिना पेक्टोसिस में बेसिकली होता क्या है कि आपके हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता राइट सो यू हैव अ डिप्रिवेशन ऑफ योर ऑक्सीजन सप्लाई डिप्रीवेशन ऑफ ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई तो ऑक्सीजन सप्लाई आपका यहां पे नहीं होता आपके हार्ट मसल्स को इनफ अब एज अ डॉक्टर अगर आपके सामने कोई पेशेंट आए और आपको पता चले कि यार एंजीना पेक्टोसिस है तो आप एक और चीज यहां पे आप सजेस्ट कर सकते हो एक और चीज आप यहां पर लाइक कंक्लूड कर सकते हो कि उस पर्सन के अंदर क्या हो रहा होगा अगर ऑक्सीजन सप्लाई जाने रहा हार्ट की तरफ देन वॉट कैन बी द फॉर दैट

सर उसका सर तो ब्लड प्रेशर ठीक है एक चीज तुमने बोली कि यार पे लो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो सकता है उसके अलावा और क्या हो सकता है सब सप्लाई कर रहा है और क्या हो सकता है थोड़ा सोचो ना ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा हार्ट की तरफ तो क्या हो सकता है क्या हो सकता है जो जो तो अच्छा है लेकिन नहीं और क्या हो सकता है भी भी ठीक ठीक है है आपकी वहाँ पे भी से काम और क्या हो सकता है? अरे मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करता हूँ अरे समझो अगर ये मेरी कोई आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा हार्ट को तो क्या हो सकता है उसका रीजन सर हां जी आर्टरी में यहाँ पे हो सकता है आपका ब्लॉकेज या आर्टरी में यहाँ पे हो सकता आपका डिपोजिशन न हैव अ डिपोजिशन ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल ओवर हिस्टर तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको एंजीना पेक्टोसिस का पेशेंट मिलता है राइट right? तो इसका यह है पहली चीज आता आपके हार्ट को है नहीं और इसलिए आपको ओकेजनल चेस्ट आपके यहाँ पे हो रहे हैं ओकेजनल चेस्ट पेंट अगर आपको हो रहे हैं यहाँ पे दैट डज नॉट मीन की आपको यहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा है राइट बट याद रखना आप पेशेंट को बोल सकते हो दैट इन फ्यूचर द पर्सन कैन हैव हैव्यू ऑफ अ हार्ट अटैक क्योंकि उसके पॉसिबिलिटी है कि आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर दे हैव अ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलेट्रॉल डिपोशन इन योर कोरोनरी आर्ट्री ये कोरोनरी आर्ट्री के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोशन की पॉसिबिलिटी आपको यहां पर मिल जाएगी क्योंकि जनरली यही देखने को मिलता है यही देखने को मिलता है और अगर ये कंडीशन है पर्सन इज सफरिंग विद योर आर्थरो और अगर इस पर्सन को आर्थरो यहां पर है देन दैट मीन्स वन थिंग फॉर क्लियर कि फ्यूचर में इसे हार्ट अटैक आ सकता है अगर अभी ये हार्ट अटैक का मतलब हार्ट अटैक नहीं है बट फ्यूचर में चांसेस है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है क्यों हो सकता है बिकॉज इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपको मिल रहा है और उसी वजह से आपका ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर कम हो चुका है दैट इज अ रीजन बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन सप्लाई आपके हार्ट की तरफ कम हो चुका है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपके एंजीनापेक्टोसिस तो अगर किसी को एंजीनापेक्टोसिस है देन हो सकता है कि फ्यूचर में इसको हार्ट अटैक आ सकता है याद ये बात को और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आप वहां आपको मिल जाए एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड कि फ्यूचर में यू कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ अ हार्ट अटैक तो ये चीज याद रखना जब भी आपके सामने एंजिना पेक्टोसिस आए तो आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए पहली चीज कि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई इनफ नहीं है हार्ट को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई पे नहीं मिल रहा दैट्स फर्स्ट थिंग थिंग यू शुड नो सेकंड ओकेजनल चेस्ट पेन आपको पे देखने के लिए मिल जाता है

ये इसका काम होता है अब समझो ये जो आर्टरी है जिसका काम है ब्लड सप्लाई करना ब्रेन की तरफ सो दैट इज व्यूर आर्टरी और अगर इस आर्टरी के अंदर आपको मिलता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन देखो यहाँ पे हो सेम ही चीज रही है यहाँ पे, हाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट यहां पे हो रहा है बट ये जो आर्टरी है ये सप्लाई करिए ब्लड टू द ब्रेन सो so यहाँ पे यू विल गेट टू सी योर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा

अगर स्ट्रोक का किसी को अटैक आ रहा है then यार देन यार हमेशा ब्रेन के ऊपर इंपेक्ट होगा यहाँ पे बिकॉज जो ब्लड सप्लाई ब्रेन तक जाना चाहिए था वो उतने अमाउंट में पहुंच नहीं पा रहा क्यों नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज अंदर वहां पे हो गया डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल का एंड दैट्स विल हैपन द ब्रेन गेट राइट ऑफ न्यूट्रिय ऑक्सीजन एंड गेट अटैक ऑफ अ स्ट्रोक अब अगर किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है देन अगेन द पर्सन विल कोलेप्स पहली चीज दूसरी चीज जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आपके ब्रेन के कुछ टिश्यूज यहाँ पे जाते हैं डैमेज अगर आपको स्ट्रोक का अटैक आता है देन जनरली ये देखने को मिलता है दैट आपके ब्रेन के कुछ टिश्यूज यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं और इस कंडीशन के बाद कई बार जो लोग होते हैं वो हाफ या पार्शली दैट पैरालीन्स दा उनका या फिर एक बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर रहा होता या पैरालिटिक हो जाता है या कई बार कंप्लीटली दे बिकम बेडन मतलब उनकी बॉडी पूरे तरीके से उनकी काम करना वहां पर बंद कर देती है सो ये आपको देखने के मिलता है स्ट्रोक के दौरान जनरली पीपल बिकम पैरालाइटिक एंड ऑफ अ बॉडी पार्ट आपके आपे, काम करने बंद कर देगा मतलब दे कैनॉट मूव अराउंड नहीं कोमा नहीं रहेगा कोमा में क्या रहता है कि आप उसमें तो आप बोल भी नहीं पाते हैं बोल भी नहीं पाते हैं। आप लाइक आपकी बस ब्रीदिंग आप कर रहे हो गैसेस right? उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते हैं इसमें पर्सन आपसे बात कर पाएगा आपसे okay. शायद हाथ हिला पाए एक हाथ हिला पाए राइट बट बाकी उसके बॉडी पार्ट ऑफ लिम बॉडी हाँ तो पैरालेटिक बॉडी उसके अंदर हो जाती है उसकी राइट कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट आर्म लेफ्ट फीट लेफ्ट लिम आर नॉट वर्किंग स्पीच उसकी बदल जाती है क्लियरली वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसका वो ब्रेन का भी पार्ट डैमेज हो चुका होता है जो स्पीच जनरेट करता है राइट या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके दोनों ही आपके लिम्स काम नहीं करते हैं दोनों ही आपके पैर काम नहीं करते हैं राइट right? आप सिर्फ बॉडी हिला पा रहे हो अपर पार्ट बट योर लिम्स आर नॉट वर्किंग ठीक है अगर ऐसा कभी होता है देन ऑब्वियसली पर्सन बिकम्स लाइक इन अ वेजिटेबल स्टेट उसको हमेशा फिर हेल्प की जरूरत पड़ती है टू मूव फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस बी तो ये होता है आपको देखने को मिलता है इन योर स्ट्रोक स्टार्ट इतना स्ट्रोक में हो क्या रहा है द ब्लड सप्लाई टू योर ब्रेन इज बीन इंटरप्टेड या ये रिड्यूस हो चुका है टिंग द ब्लड ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय सो टाइम पे आपको स्ट्रोक का अटैक आ सकता है याद रखना यहाँ पे आपका ब्रेन डेमेज आपको मिलेगा यहां पर देखने के लिए नॉट यार्टोर स्ट्रोक बट यहां पर भी आपके आर्टरी के अंदर वही आपका सारा चीज हाँ पे इकट्ठा हो रही है कोलेस्ट्रोल एंड ऑल दिस थिंग देन यू हैव अ कार्डियो करेस्ट कार्डियो करेस्ट को लेकर मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी लास्ट क्लास के अगर आपको याद हो तो ये एकदम से होता है इसका कोई इंडिकेशन आपको मिलता भी नहीं है हार्ट अटैक के अंदर स्टिल यू गेट टू सी केयर You have your, uh, uh, आपको लाइक like, स्वेटिंग uh, होगा बैक पेन होगा एंड देन यू कैन फाइंड अटैक कैन बी सीन है ऐसा कुछ नहीं होता आपका जो वेंटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है यहाँ पे आपका ये बहुत बढ़ जाएगा सडनली सो योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन और आई वु इन अलम्स अगर मैं बोलू आपका हार्ट बीट आपका जो हार्ट बीट यहाँ पे होगा वो आपका सडनली आपका बढ़ जाता है इट कैन गो टू अराउंड लाइक वन फोर्टी बीट्स पर मिनट

पर्सन हु मे और मे नॉट बी डायग्नोस विदार्ट डिजीज जिसके अंदर आपने कभी डाग, किया होगा या नहीं भी नहीं चलता रीजन so, पता करना actually. Suddenly, आपका नव इंपल्स फटाफट आने लगता है ऐसे नोट है वेंटिकल फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करने चालू करते हैं एक लेवल बढ़ जाता है सेवेंटी टू का वन फोर्टी तक जाएगा वन फिफ्टी तक जाएगा एंड सडनली स्टॉप वॉकिंग सो so, इसके रीजन्स काफी अनक्लियर है कार्डियक अरेस्ट के एंड इट इज अ मच मोर सीवियर कंडीशन देखा जाता है सो स्लाइटली मच मोर सीवियर देन द हार्ट अटैक आई वुड से ठीक है तो याद रखना दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट जिसमें आपका वेंटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन आपका बहुत बढ़ेगा एंड देन सडनली द हार्ट विल स्टॉप फंक्शनिंग एंड यू और ऐसा भी होता है कई बार कि उस पर्सन को कोई हिस्ट्री था ही नहीं हार्ट डिजीज का तब भी ये उसको हो गया दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द कार्डियक अरेस्ट

और ये प्रोग्रेसिव है जब मैं कह रहा हूँ प्रोग्रेसिव ये टाइम के साथ साथ और बिगड़ेगा जब भी मैं कभी बोलता हूँ ना कि यार ये डिजीज प्रोग्रेसिव है तो के साथ साथ और आपकी बिगड़ती रहती है ठीक है देन यू हैव आर्ट्रियोरसिस यहाँ पे रखना आपकी आर्ट्रिस यहाँ पे हो रही है आपकी हार्ट और अगर आपकी आर्टरीज यहाँ पे हार्ड हो जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दैट डिपोजिशन देन दे कैन रपच्चर और अगर ये रपच्चर हो रही है देन आपका ब्लड बाहर आ रहा है और वो ब्लॉक और वो और क्लॉट बना रहा है वहां पे सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू ठीक है एंड देन यू हैव योर पे हम स्पेसिफिक बात करते हमारे कोरोनरी आर्टरी की यहाँ पे हम स्पेसिफिक हमारे कोरोनरी आर्टरी की बात करके यहाँ पे आपका डिपोजिशन यहाँ पे आपका आ रहा है एंड दैट विल क्रिएट अ हिंड्रेंस इन अ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट

जनरली आपको मेडिकेशन दी जाती है जो आपको लॉन्ग लाइफ तक लेनी पड़ती है ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सको क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये ज्यादा रहा देन डैमेज योर हार्ट ब्रेन किडनीज एंड इवन एट टाइम्स आईज एज वेल ठीक है सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो तो ये कुछ आपके डिसऑर्डर है जिनसे आपको अपने आपको फिमिलर रखना है हमेशा एक दो डिसऑर्डर आपके एक्स्ट्रा हैं जो एनस के बाहर के बट यू हैव टू नो देम कि वो करते क्या है राइट right?

आई हैव गिवन यू असाइनमेंट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन सो उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर योर पर्टिकुलर दिस पार्ट दिस पार्ट ऑफ योर